इस फिल्म के शुरुआत में एक लड़की कैटरीना को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठी होती है और वो अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और कैटरीना से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। कैटरीना कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब रात हो जाती है, कैटरीना नाइट क्लब जाती है जहाँ वो जाकर डांस कर रही होती है। डांस करते करते उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, वो लड़का उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। कैटरीना उस लड़के को सेड्यूस करती है और अपने साथ बाथरूम में ले जाती है जहाँ कैटरीना उस लड़के को उसके साथ सेक्स करने को कहती है। लड़का अपने पॉकेट से कॉन्डम निकालता है लेकिन कैटरीना कहते है कि वो बिना कॉन्डम के साथ ही सेक्स करना चाहती है और इसके बाद उन दोनों के बीच सेक्स होता है। दूसरे दिन कैटरीना एक और मर्द के तलाश में बुक शॉप में चली जाती है जहाँ कई सारे लड़के उस कैटरीना को घूर रहे होते हैं, लेकिन कैटरीना को एक बूढ़ा इंसान बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो उस बूढ़े इंसान को अपने साथ सेक्स करने को कहती है। दोनों एक कोने में चले जाते हैं जहाँ बूढ़ा इंसान कैटरीना को छूना शुरू कर देता है और कैटरीना उसके साथ सेक्स करने को कहती है। बूढ़ा इंसान भी अपने पॉकेट से कॉन्डम निकालता है लेकिन कैटरीना उसे कॉन्डम यूज करने को मना करती है और बूढ़ा इंसान भी कैटरीना के साथ सेक्स करता है। कैटरीना एक बार फिर अपने घर में आती है जहाँ वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और अपने बेड पर बैठकर कुछ सोचती है और रात को फिर वो एक सुनसान रास्ते पर निकल जाती है। कैटरीना रात को एक सुनसान सड़क पर चली जाती है जहाँ वो अपने सामने आते हुए एक गाड़ी को देखती है। हाथ देखकर उस गाड़ी को रुकवाती है। उस गाड़ी में तीन लड़के होते हैं। कैटरीना उन लड़कों को कहती है कि अभी हाल फिलहाल में उसका ब्रेकअप उसके बॉयफ्रेंड के साथ हो गया है और वो अपना मूड बनाना चाहती है, तो क्या ये लड़के उनका मूड बनाने में मदद करेंगे। फिर कैटरीना उस गाड़ी में बैठकर चली जाती है। गाड़ी थोड़ी देर बाद एक सुनसान इलाके में जाकर रुकती है जहाँ कैटरीना उस गाड़ी से बाहर निकलती है और गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपना अंडरगारमेंट खोल देती है। अब ये देख जो तीनों लड़के होते हैं वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और कैटरीना के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। कैटरीना इन तीनों लड़कों में से एक लड़के को अपने पास बुलाती है ताकि उसके साथ वो सेक्स कर सके, लेकिन जिस लड़के को कैटरीना चुनती है वो लड़का कैटरीना के साथ सेक्स नहीं करना चाहता, तो दूसरा लड़का वहाँ आ जाता है और कैटरीना के साथ जमकर सेक्स करता है। इसके बाद कैटरीना वहाँ से निकल जाती है और अपने घर आ जाती है। कैटरीना जब अपने कमरे के बेड के ऊपर बैठी होती है तभी उसे एक डॉक्टर का कॉल आता है और इस कॉल को सुनकर कैटरीना बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि कैटरीना को कोई एड्स का बीमारी नहीं था, वो पूरी तरीके से नॉर्मल थी। इसे सुनते ही कैटरीना शॉक में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एड्स की बीमारी हो चुकी है और इसी चलते वो सारे लोगों के साथ सेक्स करती रहती है। लेकिन आखिरकार ये सवाल आता है कि कैटरीना ने सारे लड़कों के साथ सेक्स क्यों किया, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि कैटरीना मरते मरते भी अपने साथ उन लोगों को भी मारना चाहती थी जो समाज में औरतों की इज्जत नहीं करते और औरतों को बस एक सेक्स टॉय की तरह यूज करते हैं। वो अपने इस बलिदान के साथ उन लोगों को भी मार देना चाहती थी ताकि दूसरी लड़कियां इस समाज में सुरक्षित जीवित रह सके। जैसे कैटरीना को ये पता चलता है कि वो एड्स पॉजिटिव नहीं है, उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसने कई सारे लोगों के साथ सेक्स कर लिया था और इसी के साथ ये फिल्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है।